खबर छपरा बिहार से है, जहां प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नामांकित छात्रों को इस बार एक साथ दो माह का एमडीएम का चावल मिलेगा। छात्रों को एमडीएम का चावल उपलब्ध कराने को लेकर विभाग सख्त है। सोमवार को बीओ और प्रखंड साधन सेवी की संयुक्त हस्ताक्षर से 312 क्विंटल चावल का उठाव किया गया, जिसे 34 विद्यालयों में आपूर्ति की गई। चावल उठाव में पारदर्शिता का पालन करते हुए प्रत्येक बोरे में उपलब्ध चावलों की वजन भी की गई, ताकि छात्रों की हकमारी रोकी जा सके। प्रखंड साधन सेवी दीपक कुमार ने बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश के आलोक में चरणवार विद्यालयों में चावल आपूर्ति की जा रही है। साधन सेवी ने संबंधित एचएम को प्राप्त चावल दो दिनों के भीतर छात्रों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया। वितरण नहीं होने अथवा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर एचएम को जिम्मेवार बताया गया है। साथ ही खाद्यान्न प्राप्त करने वाले छात्रों को मेधा साफ्ट में अंकित करने का निर्देश भी दिया गया। जानकारी हो कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए विद्यालय बंद रहने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्टूबर तथा नवंबर माह के कुल 40 कार्य दिवस हेतु चावल आवंटन का आदेश डीपीओ सारण द्वारा दिया गया था, जबकि खाना पकाने की निर्धारित राशि लाभुक छात्र छात्राओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। बनियापुर गोदाम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड साधन से मेरे द्वारा चावल का उठाव 312 क्विंटल किया गया, जो कि कुल 34 विद्यालयों में भेजा गया। माह अक्टूबर और नवंबर का चावल था और सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया कि चावल पहुंचने के साथ ही अभिभावक को चावल उपलब्ध करा दे। 1 से 5 में 4 केजी और 6 से 8 में 6 केजी।